इसराइल और हमास की जंग के बीच अमेरिका की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सीरिया से लेकर इराक और अब जॉर्डन में भी अमेरिकी फौजी ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। जॉर्डन में ड्रोन हमले में अमेरिकी फौज के 3 फौजी मारे गए हैं और हमास और इसराइल में जंग शुरू होने के बाद से ऐसा पहली बार है जब कोई अमेरिकी फौजी मिडिल ईस्ट में मारा गया है। जॉर्डन में जिस इलाके में यूएस एयरबेस पर अटैक हुआ उसकी सरहद सीरिया से लगती है। अक्टूबर में शुरू हुई इसराइल हमास के बीच जंग अब जल्द ही पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने वाली है। अब तक जिन जंगों की अमेरिका बाहर से हिमायत करता रहता था, अब सीधे तौर पर पहली बार इसकी आंच उसके अपनों पर आई है। एक बड़े हमले में अमेरिकी फौजी मारे गए हैं। जॉर्डन में सीरियाई सरहद के पास बने एक अमेरिकी मिलिट्री बेस पर बड़ा हमला हुआ जिसमें 3 अमेरिकी फौजी मारे गए और 25 के करीब फौजी जख्मी है, जिसकी तस्दीक खुद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने की है। गाजा में जंग शुरू होने के बाद ये पहली बार है कि मिडिल ईस्ट में दुश्मन की गोलीबारी में अमेरिकी फौजी मारे गए। इससे पहले अब तक कई बार अमेरिका फौजी ठिकानों पर हमले हुए हैं, लेकिन इसमें किसी फौजी ने अपनी जान नहीं गंवाई है। लेकिन इस हमले में अमेरिकी फौजियों की मौत पर अमेरिका में बेहद गुस्सा है। अमेरिकी सदर बाइडेन ने भी इस हमले के बाद सख्त वार्निंग दे डाली और बदला लेने की बात कही। अमेरिकी फौजियों पर यह हमला सीरिया के बॉर्डर के पास किया गया, यानी वो जगह जहां सालों से अमेरिका ने आईएस के खिलाफ अपना मिशन चलाने के लिए बेस बना रखा था। वहां अमेरिकी फौजियों पर यह हमला इराक की तंजीम मिलिशिया ने किया है। इसमें खास बात यह है कि ये तंजीम ईरान, सीरिया, इराक, लेबनान और लीबिया में एक्टिव है। अमेरिका ने भी सीधे तौर पर इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। जो जिस प्रकार से ये हमला हुआ है, जॉर्डन में आउटपोस्ट थी अमेरिका की, जिसको ईरान बैक मलेशिया ने ड्रोन अटैक करके 3 सैनिक मारे गए हैं और करीब करीब 30 के करीब घायल है, जिसके अंदर 10 से 12 काफी सीरियस हैं, तो मुझे लगता है ये लड़ाई लंबी फैलेगी और इसके अंदर अभी अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकता है ईरान के अगेंस्ट, क्योंकि अभी तक तो जो यूएस और यूके होती रिबल को यमन में टारगेट कर रहे थे, मगर अब ये साफ सुथरे शब्दों में होगा क्योंकि अमेरिका के 3 जवान मारे गए हैं, जो पहली बार हुआ है मिडिल ईस्ट में इस लड़ाई में, तो मुझे लगता है ये लड़ाई लंबी खिंचेगी और ये लड़ाई फैल सकती है। इसराइल हमास जंग के बाद बार बार अमेरिकी ठिकानों को अलग अलग जगहों पर निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका बड़े बदले की बात कर रहा है और इस बदले से ये लड़ाई पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने का अंदेशा है। एक तरफ इसराइल और गाजा में जंग जारी है, तो वहीं लेबनान से हिजबुल्ला और यमन से हौसी इसराइल और अमेरिकी फौज के खिलाफ ईरान की तरफ से लगातार हमले कर रहा है। अब जॉर्डन में इस हमले ने इस जंग में नया मोड़ ला दिया है। जब ये लड़ाई भी स्टार्ट होने वाली थी तो ग्राउंड अटैक अमेरिका ने बोला था इसराइल को, उसको थोड़ा डिले करें, क्योंकि जो सीरिया और इराक में अमेरिका की आउटपोस्ट है उनको वो एक प्रकार से बीफ अप करना चाहते थे, उनकी सिक्योरिटी को ठीक करना चाहते थे, मगर यहाँ पर हमला होना जॉर्डन और सीरिया के बॉर्डर पे और वहां पर अमेरिका के 3 सैनिकों का मरना, मुझे लगता है ये एक संदेश है कि ये लड़ाई फैलेगी, क्योंकि अमेरिका इसका बदला लेगा और अमेरिका जब बदला लेगा और उसको पता है कि ये ईरान बैक मलेशिया है, तो सच्चाई है कि ईरान पे भी हमला हो सकता है और ऐसे में ये लड़ाई फैलने का बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि यही डर था कि कहीं ना कहीं अमेरिका इसके अंदर इन्वॉल्व होगा डायरेक्ट, और ईरान मलेशिया अगर सीरिया और इराक में भी हमला करते हैं जो अमेरिका के आउटपोस्ट है, तो फिर ये लड़ाई लंबी खिंच सकती है और फैल सकती है। जॉर्डन की सरहद इराक, इसराइल, फिलिस्तीनी इलाके के वेस्ट बैंक, सऊदी अरब और सीरिया से लगी हुई है। अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्स लंबे वक्त से अपने बेस कैंप के तौर पर जॉर्डन का इस्तेमाल करते रही हैं। अमेरिका के करीब 3,000 फौजी जॉर्डन में तैनात हैं। हालांकि इस हमले के बाद जॉर्डन की तरफ से ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि जो हमला हुआ है वो उसकी सरहद के बाहर था, लेकिन इतना तो तय है कि अपने फौजियों की शहादत के बाद अमेरिका अब चुप नहीं बैठने वाला है और अमेरिका का कोई भी कदम बड़ी जंग की शुरुआत के तौर पर साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।